नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके लिए इस साल इम्पोर्टेंट हो सकता है, हो मे बी ऐसा हो सकता है कि सर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ठीक ना, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है इस साल। ठीक ना, तो आप इस ये सब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। ठीक ना, पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ वो आप सुनो, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आप लोग सब कुछ बच्चे जो बिहार के हैं, ठीक ना, या फिर बिहार से बाहर आने वाले हैं, वो भी अब थोड़ा समझने का प्रयास करिए। देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको एक छोटा सा टाउन है नवादा, मैं फिलहाल नवादा में हूँ। ठीक ना, एक और मेरे जैसा कोई टीचर होंगे, हो सकता है आगे पढ़ा रहे होंगे, वो बिहार शरीफ में पढ़ा रहे हैं, कहाँ है, बिहार शरीफ। ठीक ना, एक टीचर और है जो क्या है, पटना में। तीन प्लेस हमारे पास है, बहुत ही अच्छे समझिएगा, नवादा, बिहार और पटना, तीन प्लेस हमारे पास। ठीक है, देखिए आपको यहां से एक कार्य स्टार्ट करते हैं, इस प्लेस यहां से एक कार्य स्टार्ट करते हैं और एक कार यहां से स्टार्ट करते हैं, दो जगह से, नवादा से कार स्टार्ट होगा और एक बिहार से कार स्टार्ट होगा। ठीक ना, दोनों कार सेम डायरेक्शन में चले, सेम डायरेक्शन में चलने का मतलब ये भी इधर से पटना की ओर चले और ये भी जो है इधर से पटना की ओर चले। ठीक है, एक नवादा से चला है, एक बिहार से चला है और दोनों सेम टाइम में चला है। सपोज कर लें कि 8 AM क्लॉक में ये भी चला और 8 AM क्लॉक में ये भी चला। ठीक ना, और दोनों जो है सेम टाइम में यहां पहुंचा। सपोज कर लें कि कम से कम 2 PM में सपोज करें पहुंच गया है, सपोज करते हैं 2 PM में पटना पहुंच गए दोनों। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक कार नवादा से स्टार्ट हुआ, एक कार नवादा बिहार से स्टार्ट हुआ, दोनों पटना पहुंचा, दोनों सेम टाइम में पहुंचा, दोनों सेम टाइम में खुला था, दोनों सेम टाइम में पहुंचा। ठीक ना, तो आप ऐसा सोच रहे होंगे, जरूर मन में आपका चल रहा होगा, अरे यार 8 बजे नवादा से चला है और 8 बजे बिहार से चला है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है समथिंग। मान के चलते हैं कि ऐसा सपोज कर लेते हैं कि नवादा से बिहार का डिस्टेंस हमको वो है क्या 100 किलोमीटर, सपोज कर लेते हैं, एक्चुअली है नहीं 30 किलोमीटर है, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि 100 किलोमीटर। ठीक ना, 100 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में, फिर भी नवादा वाला कार जो है उतना ही टाइम पहुंचा जितना बिहार से वाला कार पहुंचा। इसका मतलब कि नवादा वाला कार जो होगा वो ज्यादा हैवी होगा, अच्छा होगा, वो ज्यादा स्पीड पकड़ा होगा और 100 किलोमीटर इसको ओवरटेक करते हुए भी सेम टाइम में पटना पहुंचे। इसका मतलब क्या है कि नवादा वाला कार ज्यादा स्पीड से चल रहा होगा, बिहार का कार थोड़ा कम स्पीड से चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये भी 8 बजे खुला, ये भी 8 बजे खुला है, दोनों सेम टाइम में खुला, लेकिन पहले पहुंचे ये बात और ये भी सेम टाइम में दोनों पहुंचा। सेम टाइम पहुंचने का मतलब इसका स्पीड ज्यादा होगा, इसका स्पीड कम होगा, इसलिए दोनों क्या होगा एक साथ आ करके हिट करेंगे। बात को समझिए, ठीक है। तो देखिए अब यहां से मैं आपको क्वेश्चन पे की ओर ले चलता हूं, अगर आप इसको समझ पाए तो। ठीक ना, देखिए कैसे आपको क्वेश्चन में आना है। कहता है प्लेस ए एंड प्लेस बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे पर, हाईवे मतलब नेशनल हाईवे है ना, तो नेशनल हाईवे पर दो शहर है बसा हुआ, दो सिटी है, टाउन है बसा हुआ, दो प्लेस है और दोनों के बीच 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक ना, सपोज कर लेते हैं कि एक टाउन नवादा यहाँ है, एक टाउन बिहार है, इन दोनों के बीच 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, कहता है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार जो है स्टार्ट कहां से, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, ए पॉइंट से क्या होता है, कोई कार स्टार्ट होता है, मान लीजिए नवादा से कोई कार ए जो है स्टार्ट हुआ, अनदर फ्रॉम बी एट सेम टाइम, और दूसरा कार भी सेम टाइम, मतलब
तो अगर ये 8 बजे स्टार्ट हुआ तो ये भी 8 बजे स्टार्ट हुआ। कहां से? डी पॉइंट्स। डी पॉइंट मतलब बिहार से स्टार्ट हुआ, ठीक ना। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, और दोनों कार जो है सेम डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब ये भी पटना की ओर जा रहा है तो वो भी पटना की ओर जा रहा है, सेम और डिफरेंट स्पीड से जा रहा है, स्पीड तो डिफरेंट रहेगा तब ना एक दूसरे को ओवरटेक करेगा, ठीक है। डिफरेंट दे मीट इन 5 आवर, दोनों क्या है 5 घंटे में मिल जाते हैं, दोनों कार 5 घंटे के बाद मिलते हैं, मतलब 5 आवर ये कार भी चला और 5 आवर ये कार भी चला, दोनों कार 5 आवर चला, देख रहे। चलिए सही है, तो दोनों कार जो 5 आवर चला है और दोनों 5 आवर चलने के बाद मीट किया, इसका मतलब स्पीड ऑफ कार ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार बी, कार ए का स्पीड ज्यादा है कार बी से, ठीक है। अब यहां से आपका फुल स्टॉप लग गया, 5 आवर का फुल स्टॉप लग गया, आपको एक इक्वेशन यहीं से आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखिए आपको मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल 2 होने चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए, तो दोनों वेरिएबल एक कार ए हो गया एक कार बी हो गया, दो कार हो गए वेरिएबल 2 हो गया। फाइनली क्वेश्चन लास्ट में पूछता है, वहां पे मैं दे रहा हूं, कहता है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स, दोनों कार के स्पीड्स कितने, स्पीड कितने, ठीक ना। देखिए तो दोनों कार का स्पीड कितना है, स्पीड जानने के लिए हम स्पीड तो मालूम नहीं है कितना है, दोनों सपोज कर लेते हैं, ऐसा करते हैं कि ये जो कार ए है इसको सपोज कर लेते हैं कि इसका स्पीड कितना होगा, x होगा। ये जो बिहार से जो कार स्टार्ट हुआ है इसका स्पीड कितना होगा, सपोज कर लेते हैं y होगा, और यहीं से लेकर शुरू कर दीजिएगा अपनी मैथ, है ना। क्या लिखिएगा सॉल्यूशन में डाल करके, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, फिगर को ड्रॉ नहीं करना है, समझ जाएगा तो आप आराम से बना पाएंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा, लिखिएगा लेट द स्पीड ऑफ कार ए एंड कार बी आर x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बात हमने सपोज कर लिया कार ए का स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर और कार बी का स्पीड कितना है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहां से हम लोग को समझना होगा थोड़ा सा बात को, ठीक ना, कि कार अगर x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 5 आवर तक ट्रैवल किया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, है ना। अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं, आप समझिएगा जो बच्चे बाइक चलाते हैं वो तो एकदम क्लियर समझ जाएंगे, आप अगर 5 आवर तक 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को मेंटेन किए हुए हैं अपने बाइक का, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर तो 5 आवर में कितने, 10 × 5 = 50, है कि नहीं। ऐसे भी आप जान रहे हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना x और टाइम कितना 5 आवर, यानी कितना चला 5x किलोमीटर, 5x किलोमीटर चला कौन, कार। और वहीं अगर कार बी का हम अगर डिस्टेंस को अगर देखें कि डिस्टेंस कितना होगा तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना 5 और टाइम कितना 5, तो 5y किलोमीटर होता है, ठीक है। तो देखें कि कार ए जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 5x, कार बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 5y, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक सपोज करें ऐसे कुछ दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ है कि पूरा ये 5x है, ठीक है, और ये दिया हुआ है आपको ये 5y दिया हुआ है, ठीक है। आपने तो ऐसे समझी और ज्यादा क्लियर हो जाए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 100 किलोमीटर, ठीक ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान ले कि 20 किलोमीटर है, ठीक ना, यहां से यहां तक का, ठीक ना, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया, ठीक है। कोई पूछेगा कि इतना डिस्टेंस कितना होगा, तो बोलिएगा कि पूरा में से इतना तो माइनस कर देंगे, यहां से
यहां से और यहां से डिस्टेंस अगर माइनस करेंगे 100 माइनस 20 तभी नहीं निकल पाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो क्या पूरा में से इतना को आप माइनस करेंगे इतना बचे है कि नहीं, तो वही काम यहां भी करना होगा। हम लोग यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, अरेंज करने वाले हैं। अगर देखिए हमको इस 100 का यूज करना है तो हम यहां से जो डिस्टेंस है और यहां से जो डिस्टेंस है अगर पूरे डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दें तो यही बचेगा। पूरा डिस्टेंस में से नवादा से पटना का डिस्टेंस में से बिहार से पटना का डिस्टेंस माइनस कर देंगे यही ना डिस्टेंस बचेगा। यानी 5x माइनस 5 y अगर करेंगे तो कितना बचेगा 100 बचेगा। पूरा में से इतना को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा और यही इक्वेशन में क्या बनेगा आपको कंडीशन है ना। तो आइए हम यहां से निकालते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बाई कार ए। कार ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो स्पीड इनटू टाइम है ना, यानी कितना किया स्पीड इनटू टाइम 5 × x 5x किलोमीटर। और अगर वही बात मैं आपको बताऊं कि डिस्टेंस ट्रैवल बाई कार बी कितना किया तो 5 × y किया यानी 5 y किलोमीटर ठीक है ना। लेकिन कार ए और कार के बी बी के बीच डिस्टेंस कितना था है ना। यहां चलते हैं डिस्टेंस बिटवीन कार ए एंड कार बी इक्वल टू 100 किलोमीटर पहले से देख रहा है क्वेश्चन ज्यादा है आज क्वेश्चन देखिए आपको 100 किलोमीटर के लिखा है कि प्लेस ए एंड प्लेस बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट होने पर 100 किलोमीटर क्या है दोनों के बीच का डिस्टेंस है। यानी कार ए और कार बी के बीच का डिस्टेंस कितना था 100 किलोमीटर बट कार ए चला कितना तो 5x चला कार बी कितना चला 5y चला और मिला कितना हो गया 100 5 कॉमन लीजिएगा 5 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 5 से इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं 20 बार में इस कारण से हमको यहां पे x माइनस y बराबर कितना हो गया 20 x माइनस y कितना हो गया 20। देखिए इक्वेशन कितना आसानी से बनता है इक्वेशन ज्यादा नहीं है टफ एकदम आसान सा इक्वेशन बनना ठीक ना। यही आपका क्या बन गया इक्वेशन फर्स्ट बात को समझ पा रहे हैं। हमने क्या किया इस शुरू से कर देते थे अगला इक्वेशन बनाने में आपको एकदम आराम मिलेगा। हम क्या करेंगे कि नवादा बिहार और पटना तीन प्लेस है नवादा से गाड़ी खुला है बिहार से गाड़ी खुला है दोनों सेम टाइम पर खुला है और दोनों सेम टाइम में पहुंचा ठीक ना। इसका मतलब नवादा वाला कार का स्पीड ज्यादा हुआ किसके कंपेयर बिहार से के कार से कंपेयर ठीक ना। अगर ये 5 आवर तक चला है और ये भी 5 आवर तक चला है दोनों टाइम सेम चला है 5 आवर तो हम इसका स्पीड मान लिए इसका स्पीड मान लिए बाई तो देखते हैं कि कार ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम यानी x * 5 5x। उसी तरह से कार बी का भी अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 5 * y होता है 5 y लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था 100 यानी पूरा 5x - 5 y करेंगे पूरा माइनस कितना करेंगे तो इतना बचेगा पूरा था 5x इतना था 5 y तो 5x - 5 y कितना 5x - 5 y = 10। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट बात को समझ पाए। आप इसको यहीं पर वीडियो को पॉज करके और यहां पर अच्छे से आप तरीके समझिएगा और खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। सेकंड इक्वेशन में फिर से समझाने का प्रयास करता हूं आपको ठीक ना। आइए मैं इसको मिटा देता हूं। देखो अब सेकंड आइए आप क्वेश्चन के सेकंड पोर्शन में ठीक ना। अब कहता है इफ द ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब एक दूसरे की ओर आना ठीक ना। एक दूसरे की ओर आना मतलब क्या है कि ये क्या करे नवादा से ये इधर जाए बिहार से की ओर नवादा कहां है बिहार से की ओर देखिए इसका डायरेक्शन और किधर जा रहा है बिहार से की ओर ठीक ना। और कार बी जो है वो क्या कर रहा है इधर से मूव करते हुए और ये आ रहा है नवादा की ओर ठीक ना। मतलब नवादा से बिहार से की ओर कार ए जा रहा है
और कार्बी जो है बिहार शरीफ से नवादा की ओर आ रहा है, एक दूसरे की ओर आ रहा है। तो तय बात है कि एक कार इधर से जाएगा एक कार उधर से आएगा, तो तय बात है कि दोनों कार कहीं ना कहीं जाके एक ऐसा स्पॉट जरूर होगा जहां पे आके दोनों एक बार जरूर मीट करेंगे। सपोज कर सकते हैं ये वो स्पॉट है जहां पे आके दोनों कार क्या होगा एक बार मीट किया, इसका ड्राइवर हेलो बोला, उसका भी ड्राइवर हेलो बोला, तो दोनों चलना शुरू कर दिए। बोला क्या भाई मिलता है, हाँ ठीक है, आगे भीड़ भाड़ है, नहीं दूसरा दूसरा आगे जाम है, बोलता है हाँ जाम है, तो अगला सोच के चले, बात हो गया दोनों में, टाटा बाय बाय हो गया, दोनों अपने रास्ते पे फिर चलना शुरू कर दिया। बस यही बोला, टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब एक दूसरे की ओर आना, ठीक ना, सेम डायरेक्शन मतलब एक दूसरे की तरफ सेम डायरेक्शन में चलना, सेम है ना, क्या होगा एक दूसरे की ओर आएगा इस तरह, ठीक ना। आइए दे मीट इन, हाँ आगे ईच अदर दे मीट इन वन आवर, अगर एक दूसरे की ओर चलता है दोनों कार तो दोनों एक घंटे बाद आकर मिल लेता है, मतलब एक घंटे तक ये भी चला होगा एक घंटे तक ये भी चला होगा, दोनों कार अगर एक एक घंटे तक चलता है वन आवर तक ये भी कार चले और वन आवर तक ये भी कार चले, ठीक ना, तो कितना आपको एक पॉइंट पर आकर क्या करता है मीट करता है, ठीक ना। तो फिर से भाई वही बात होगा, देखा जाए कि वन आवर तक कार ये चला कितना कितना डिस्टेंस कवर किया, तो स्पीड था एक्स और टाइम वन आवर, तो इसका डिस्टेंस कितना एक्स इंटू वन यानी एक्स किलोमीटर, ये कार्बी का स्पीड है बाई और आवर कितना चला वन आवर चला, यानी इसका डिस्टेंस अगर कार्बी का डिस्टेंस देखा जाए तो वाई इंटू वन यानी वाई किलोमीटर, समझ रहे बात को, और दोनों आपके एक जगह मिलता है। देखिए यहां पर बात को समझना है कि अपने एरिया से फालतू को नहीं गया है, ये अपने एरिया में है कि नहीं, यानी यहां से यहां तक चला है, यहां से यहां से यहां तक चला तो कितना चला x किलोमीटर चला, यहां से और यहां तक चला ये तो कितना चला y किलोमीटर चला, दोनों एक स्पॉट पे आके मिला हुआ है, यानी मिला चला कितना चला कितना चला दोनों मिला के चला कितना 100 किलोमीटर चला, पूरा चला 100 किलोमीटर यानी x plus y बराबर कितना 100 किलोमीटर, ठीक है। तो सीधा सीधा आप लिखिएगा आगे अगेन है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए है ना टुवर्ड्स ईच अदर, या फिर कार ए से लेके टुवर्ड्स ईच अदर बात करूंगा, कार ए बराबर कितना एक्स इंटू वन यानी एक्स किलोमीटर, और वही बात होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी y into 1 यानी y किलोमीटर, है कि नहीं। देन आप सीधा चलिएगा x plus y, इधर से इसका डिस्टेंस इधर से इसका डिस्टेंस मिला जुला कितना दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी x plus y equal to 100 10, ये आपका इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट हम पहले बताए थे x minus y equal to 120 आया था, यहां क्या है x plus y equal to 100, आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान सा है, इस इक्वेशन में तो कोई जाने नहीं, इसको तो मुंह से बना दीजिएगा आंसर देखिएगा, तो कोई दोनों इक्वेशन के जगह रखिएगा और देखिएगा तो अच्छा इतना आंसर होगा फटाफट आंसर आ जाएगा, इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन हम लोग को फॉर्म करने में प्रॉब्लम है, और इक्वेशन फॉर्म करने के लिए इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना, ठीक ना। मुझे लगता है कि ये हम अपना बेस्ट आपको दिए हैं, इसको आप समझिए, ठीक ना। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको है एग्जांपल में 25 26 27 और एक्सरसाइज में आपको है 31 32 33 34, मतलब 25 26 27 एग्जांपल में 31 32 33 34 एक्सरसाइज, और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में 3.5 का 4 का 4 एक्सरसाइज के 4 का 4, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके इस पर एग्जाम के लिए, ठीक ना। अगर लीनियर क्वेश्चन से आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए बढ़िया से बनाइए, वीडियो को एक दो बार जरूर देखिए, आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक ना, माइंड में आपका सेट हो जाएगा क्या करना है नहीं करना है। एक बात और बच्चे मैं आपको बता दूँ, ठीक ना, वो बता दूँ कि देखिए टाइम एंड डिस्टेंस बना रहे हैं आप
तो टाइम डिस्टेंस में एक बात ध्यान रखिएगा, पहला दिन मैंने एक बात बताया था कि कंपेयर जो करना है किसके किसके बीच, देखिए आप एक बार कि अगर मैंने यहां कंपेयर किया तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस है और 100 किलोमीटर भी क्या है, डिस्टेंस है। याद रखना है कभी भी इक्वेशन जो फॉर्म होगा उसमें डिस्टेंस का डिस्टेंस के साथ ही कंपेयर होगा, स्पीड का स्पीड के साथ ही कंपेयर होगा और टाइम का टाइम के साथ ही कंपेयर होगा। मतलब सीधा सीधा बात है, स्पीड टाइम डिस्टेंस तो ऐसे ही है, एक क्वांटिटी को एक क्वांटिटी से आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करना होगा एक क्वांटिटी को एक क्वांटिटी से, लड़का है तो लड़के से, लड़की है तो लड़की से, है ना, डिफेंड है तो डिफेंड से, स्पीड है तो स्पीड से, टाइम है तो टाइम से, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस। ये बात आपको समझना, ठीक ना। और जो भी इक्वेशन आप फॉर्म कीजिएगा इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ये जब तक बात ध्यान रहेगा आपके क्वेश्चन फॉर्म होने में दिक्कत करेगा ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप ये सब एग्जांपल एक्सरसाइज बनाइए और हमको व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं बनता है फिर आप क्या कीजिए, आप व्हाट्सएप पे कम, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही आप कमेंट कीजिए, ठीक ना, वो ज्यादा सही है, ठीक है। मैं भी उसको देखते रहता हूँ बार बार कि कहाँ पे किस बच्चे का क्या डाउट आ रहा है, उसको मैं क्या करता हूँ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए, बनाइए, क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट।